तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अभी तक मेरा गला पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, तो अगर वीडियो में थोड़ी आवाज़ ऊपर नीचे देखने को मिलेगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वैसे आप सभी के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही इज़ानागी के सामने खड़े होते हैं और वो तीनों लड़ाई के लिए भी तैयार होते हैं। और तभी इज़ानागी कहता है, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम सैयंस वाकई में काफी हिम्मत वाले होते हो। तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि आखिर मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, लेकिन फिर भी तुम मेरा सामना करना चाहते हो, तो आ जाओ बच्चों। जिसके ऊपर तभी ब्रोली कहता है, वो तो तुम्हें बहुत ही जल्दी मालूम चल जाएगा कि आखिरकार कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। ये कहने के बाद ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म पर ट्रांसम हो जाता है, जो देखकर दाइमा कहता है, ओ अच्छा, तो ये एक लेजेंडरी सैयन है, इसी कारण मुझे इसकी एनर्जी थोड़ी अलग महसूस हो रही थी। और तभी वेजिटा भी अपनी पावर को बढ़ाता है और साथ ही में गोकू भी। वो तीनों एक साथ मिलकर इज़ानागी के ऊपर अपना वार करते हैं, लेकिन इज़ानागी वहां से नहीं हिलता और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन उस धमाके के बावजूद भी इज़ानागी सही सलामत वहां पर खड़ा होता है, जो देखकर वेजिटा कहता है, लगता है ये इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा, तो हम तीनों को अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। तो चलो इसे दिखा देते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। ये कहने के बाद वेजिटा अकेला ही बड़ी तेजी से इज़ानागी की तरफ बढ़ता है। वेजिटा इज़ानागी के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है। इज़ानागी उसे ब्लॉक करते हुए वेजिटा पर अपना एक वार करता है, लेकिन ब्रोली अपना एक जोरदार की ब्लास्ट करता है इज़ानागी के ऊपर, जिससे वेजिटा इज़ानागी के वार से बच जाता है, जो देखकर इज़ानागी थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी गोकू अचानक इज़ानागी के ऊपर आते हुए अपनी दोनों हाथों की मदद से उसके ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिससे इज़ानागी काफी दूर चले जाता है। ये सभी देखते हुए आकागिनो कहता है, ये भला कैसे हो सकता है, इन तीनों सैयन ने बड़े भाई को पीछे धकेल दिया। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, इज़ानागी हमारी ताकत के बारे में अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन वो गोकू, वेजिटा और ब्रोली के बारे में नहीं जानता। और खास बात तो यह है कि ये तीनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है, तो लगता है कि हमारे पास थोड़े समय के लिए एक और उम्मीद आ चुकी है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या हुआ, कुछ समय पहले तक तो तुम बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब हमने तुम्हें पीछे हटने पे मजबूर कर दिया ना। जिसके ऊपर इज़ानागी हंसते हुए कहता है, शाबाश सैयन, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैं अभी भी तुमसे कहूंगा कि तुम तीनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और हो सकता है कि ये गलती तुम्हारे जिंदगी की आखिरी गलती हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समझे, चुपचाप लड़ो और हमारे हाथों मरो। ये कहने के बाद वेजिटा बड़ी तेजी से इज़ानागी के ऊपर अपने कई सारे हमला करता है, जिससे वहां पर बहुत सारे धमाके होते हैं। और तभी ब्रोली उस धमाकों के अंदर घुसता हुआ एक के बाद एक कई सारे पंच हिट करता है इज़ानागी को, लेकिन इन सभी वार का इज़ानागी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ हंसता रहता है। और तभी ब्रोली उसके ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है,
लेकिन इजानागी ब्रोली को पकड़ते हुए काफी दूर फेंक देता है। और तभी इजानागी के ऊपर वेजिटा बहुत ही गुस्से में चार्ज कर देता है। वेजिटा उसके ऊपर अपने एक के बाद एक कई सारे पंच करता है, लेकिन इजानागी उसके सभी पंच को ब्लॉक करते हुए वेजिटा पर अपनी एक जोरों की किक करता है, जिसे वेजिटा रोक लेता है। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वेजिटा दोबारा उसके ऊपर अपना एक पंच करने वाला होता ही है, लेकिन उससे पहले ही इजानागी वेजिटा पर अपना एक की ब्लास्ट कर देता है, जिससे वेजिटा इस बार बच नहीं पाता और वेजिटा भी काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी इजानागी कहता है, तुम सैयन इस बात को भला क्यों नहीं समझ पा रहे कि तुम सभी एक साथ भी मिल जाओ तब भी मुझे नहीं रोक पाओगे। और तभी गोकू इजानागी के सामने पहुंचते हुए कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, अभी तक तुमने बहुत सी लड़ाई जरूर लड़ी होगी, लेकिन तुमने हम जैसे सैयन का सामना नहीं किया होगा। जिसके ऊपर इजानागी कहता है, क्या बात है, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद आया सैयन, तो आ जाओ अपना हमला करो। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए इजानागी के ऊपर एक जोरो का पंच करता है, जिसे इजानागी ब्लॉक करता है, लेकिन गोकू अपने उसी हाथ से तुरंत एक की ब्लास्ट भी कर देता है। इस बार इजानागी उससे नहीं बच पाता, वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। गोकू बहुत ही तेजी से इजानागी के ऊपर पहुंचते हुए उस पर दोबारा अपना एक पंच करता है, जिससे इजानागी जमीन पर जा टकराता है। ब्रूली तुरंत बाद ही इजानागी पर अपने की ब्लास्ट से हमला करता है, जो इजानागी पर सीधा जा टकराता है। इजानागी काफी दूर जा रहा होता है, लेकिन वेजिटा तेजी से इजानागी के सामने पहुंचते हुए उस पर एक दोबारा हिट कर देता है, जिससे इजानागी बच नहीं पाता, वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी गोकू वेजिटा ब्रोली तीनों एक साथ मिलकर उसके ऊपर अपने की ब्लास्ट से हमला करते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर हारुका हैरानी के साथ कहता है, क्या ये भला कैसे हो सकता है यामोशी, जब तुम अकुमो और राइजो मिलकर उसे चोट नहीं पहुंचा पाए तो ये तीनों सैयन भला कैसे। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि इजानागी हमारी पावर को अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन वो गोकू वेजिटा और ब्रूली की ना ही तो चाल को जानता है और ना ही ताकत को, तो इसीलिए ये सब हो रहा है। जिसके ऊपर तभी आकागिनू कहता है, ये भला कैसे मुमकिन है, बड़े भाई इन जैसे पिद्दी सैयन से बिल्कुल भी नहीं हार सकते, लगता है कि मुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी। जिसके ऊपर दाई मां कहता है, वाकई में तुम्हें लगता है कि इजानागी इतनी आसानी से इन तीन मामूली सैयन से हार सकते हैं, देखते जाओ। और जैसे ही वहां से धुआं हटता है, वेजिटा कहता है, ये काफी आसान था, ये बेवकूफ है, इसे लगता है कि ये हम तीनों का सामना एक साथ कर सकता है। और धुएं हटते ही हम देखते हैं कि इजानागी वहां पर नहीं होता, जो देखकर सभी लोग हैरान होता है। और तुरंत इजानागी वेजिटा के पीछे खड़ा होता है और वो कहता है, क्या क्या कहा तुमने, शायद तुम किसी को बेवकूफ कह रहे थे। जो सुनकर वेजिटा चौंक जाता है, और वेजिटा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, इजानागी वेजिटा के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिर जाता है। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी
ब्रूली गुस्से के साथ इज़ानागी को पकड़ लेता है, लेकिन इज़ानागी ब्रूली के पेट पे काफी जोरों की किक करता है और तुरंत बाद वो ब्रूली को भी काफी दूर उठाकर फेंक देता है, जिससे वहां पर एक और काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसी बीच गोकू अपनी कामेहामेहा अटैक करता है इज़ानागी के ऊपर। इज़ानागी उसे अपने एक हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इज़ानागी पीछे हटने लगता है और तुरंत बाद गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से उसके पीछे आते हुए उसके चेहरे पर एक जोरों का पंच करता है, लेकिन इज़ानागी गोकू के वार को बिना देखे ही अवॉइड कर लेता है। वो गोकू के ऊपर भी अपना एक जोरों का हमला कर देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिर जाता है। वहां पर तीन काफी बड़े धमाके होते हैं और उन धमाकों के बाद गोकू, वेजिटा, ब्रूली तीनों ही अपनी नॉर्मल रूप में आ जाते हैं और तभी इज़ानागी कहता है, मैंने तुमसे ये बात पहले ही कही थी कि तुम तीनों सैयन मेरे सामने बच्चों के समान हो। मैं सृष्टि का नया निर्माता हूं। मैं ये सब बहुत ही जल्दी करूंगा और मेरा यकीन मानो, जब मैं इस पूरे ब्रह्मांड का दोबारा निर्माण करूंगा, तब मैं तुम जैसे सैयन या फिर तुम जैसे मॉर्टल, उनका नामो निशान बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद इज़ानागी अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मैं तुम तीनों से ये बात पहले भी बोल चुका हूं, तुम लोग उसका सामना शायद नहीं कर पाओ, समय रहते पीछे हट जाओ। अकुमो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसने राइजो को पकड़ा होता है, लेकिन राइजो भी धीरे धीरे कर शांत होने लगता है। लेकिन तभी इज़ानागी उन तीनों के ऊपर ही अपने काफी बड़ा हमला कर देता है, जिससे हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वो धमाका इतना बड़ा होता है जिससे आका, गेनो, हारुका और वो सभी लोग अपने आप ही पीछे हटने लगते हैं। और तभी यामोशी कहता है, नहीं गोकू, वेजिटा, ब्रोली, क्या तुम तीनों ठीक हो? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जिसके ऊपर आकागिनो हंसते हुए कहता है, क्या बात है बड़े भाई, लगता है कि आपने कर दिखाया और उन तीनों सैयंस का खात्मा हो ही गया, तो अब बचे हुए सैयंस को भी खत्म किया जाए। जिसके ऊपर दाईमाक कुछ भी नहीं कहता और वो बस शांति से उस धमाके की ओर देखने लगता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि इज़ानागी बहुत ही जोरों से हंसते हुए कहता है, क्या बात है, क्या ही तो बात है, हर बार हर एक सैयन दोबारा गिरकर जब खड़ा होता है और वो हार नहीं मानता, यही तुम सैयंस की तो खास बात है। और सच बताऊं तो मुझे सैयंस में सबसे ज्यादा यही बात ही तो अच्छी लगती है। और तभी जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम देखते हैं कि ब्रोली, वेजिटा और गोकू तीनों ही दोबारा खड़े हो चुके होते हैं। ना केवल इतना, वो तीनों ही अपनी पावर को बदल चुके होते हैं। और तभी गोकू कहता है, एक बात तो माननी पड़ेगी, हमने इस बात के बारे में नहीं सोचा था कि तुम इतने ताकतवर होगे। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, लेकिन असली मजा इसी में है, अपने से ताकतवर विरोधी को हराने में। जिसके ऊपर ब्रूली कहता है, हमने अभी तक अपनी नई ताकत का इस्तेमाल किसी के खिलाफ भी नहीं किया, तो संभल कर कहीं ऐसा ना हो
कि तुम एक बार में ही हमारे हाथों मारे जाओ। जो सुनकर इज़ा नागी बहुत ही जोरों से हंसते हुए कहता है, तुम लोग काफी अच्छा मजाक कर लेते हो, तो चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारा ये मजाक और तुम्हारी ये ताकत कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाती है। तो आ जाओ सयंस।